इसको इट नीड्स टू पार्टनर इट विद डिपार्टमेंट्स या जो जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं और जो अदर वर्किंग यूनिट्स हैं उन सबके साथ एक सिनर्जी क्रिएट करना उसके साथ पार्टनरिंग करना टू क्रिएट एन एक्सटर्नल वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क ताकि एक पूरा नेटवर्क बन जाए जो ज्वाइंटली जो मिल के तो कस्टमर को सर्व कर सके मार्केटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन न्यूमरस वेज मार्केटिंग एक अहम किरदार अदा करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने में नंबर इट गाइड्स द फिलोसफी ये एक फिलोसफी प्रोवाइड करती है कंपनी को द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अराउंड द क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू के आपने कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं कंपनी की तो उसमें कस्टमर की वैल्यू को मद्देनजर रखना है और बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ग्रुप्स जो डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो हाउस होल्ड भी हो सकते हैं कोई और जो डिफरेंट ऑनलाइन ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उनके साथ कैसे आप अच्छे तालुका बना सकते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट इनपुट टू स्ट्रेटेजिक प्लानर्स बाय हेल्पिंग देम टू आइडेंटिफाई द अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट कि वो जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बारे में कंपनीज को बताएं या जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं क्या उनको डू द कंपनी हैव पोटेंशियल टू टेक एडवांटेज क्या कंपनी का इतना पोटेंशियल है कि उसकी कंपनी की इतनी स्ट्रेंथ है कि उन उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे एडवांटेज लिया जा सके या नहीं थर्ड मार्केटिंग डिजाइन स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स मार्केटिंग हर जो यूनिट है डिफरेंट यूनिट्स हैं कंपनी के उनके लिए लैदा से स्ट्रेटजीज डिफाइन करती है और देन उनकी इट हेल्प्स दैम उनकी मदद करती है मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी दम आउट प्रॉफिटेबिलिटी ताकि वो जो स्ट्रेटेजी uh, डिफाइन की गई हैं और उन्हें प्रॉफिटेबली प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके पार्टनरिंग विद अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ पार्टनरशिप uh, करना एवरी डिपार्टमेंट इन कंपनी इज एन इंपॉर्टेंट इन लिंक इन कंपनी इंटरनल वैल्यू चेन हर डिपार्टमेंट जाहिर है एक प्रोडक्ट तैयार होती है तो उस प्रोडक्ट में आ, सिर्फ प्रोडक्शन वाले तो शामिल नहीं होते बाकी डिपार्टमेंट भी होते हैं सेल्स है कॉस्टिंग है परचेजिंग है मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट अवेलेबल है ना उसमें तो सबको मिलकर काम करना पड़ता है ताकि एक वैल्यू चेन बन सके ईस्ट डिपार्टमेंट प्लेज प्लेस पार्ट थ्रू

रियालिटी uh, में वाकई में बड़ा काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं लाइट से प्रोडक्शन वाले में या ऑपरेशनल ऑपरेशनल जो ऑपरेशन uh, डिपार्टमेंट uh, है ऑपरेशन का या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और uh, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक्स की एग्जांपल लें सेल्स वाले लाइट से आप अगर आप पाकिस्तान में ज्यादातर बैंक्स में क्यूमेटिक्स इंस्टॉल्ड हैं क्यूमेटिक्स मतलब कि जब आप वो लेते हैं जो टोकन लेते हैं तो आपने टोकन ले लिया आप अपने कर, कर, हर कस्टमर अपनी अपनी क्यू में वेट कर रहा है एक अच्छा कस्टमर आता है जिसका बड़ा अकाउंट है बैंक के अंदर और वो जाके अपने सेल्स वाले जो उसका पर्सनल है जो उसके साथ जो उसको डील करता है उसके पास जाके बैठ जाता है अब वो जो सेल्स वाला है वो चाह रहा है कि जो काउंटर पे एजेंट बैठा टोकन चला रहा है वो जिसका टोकन है उसको इग्नोर करके ये जो इसका कस्टमर है जो सेल्स वाले का अपना जो जो भी उसका अपना लिंक है या जो उसका अपना कस्टमर है उसको पहले ट्रीट करे तो ये ऑपरेशंस वालों के दरमियान और सेल्स वालों के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं मार्केटर्स नीड टू फाइंड वेज ऑब्वियसली अगर वो उसको अगर वो टोकन्स को बाईपास करेगा और बाकी कस्टमर्स को इस तरह से आ, ट्रीट करना शुरू कर देगा तो कंपनी का अपना इमेज या सॉरी जो अपना बैंक का जो अपना इमेज है वो भी लूज होता है और ये बैड परफॉर्मेंस में भी जाता है मार्केटर्स नीड टू फाइंड वेज एंड मेड ईच एम्प्लॉय टू थिंक कंज्यूमर मार्केटर्स को चाहिए कि वो हर आ, कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है कि वो थिंक कंज्यूमर कि वो कंज्यूमर्स के बारे में सोचे कि हमारे जो प्रोडक्ट है इन द एंड कस्टमर के पास जाएगी या कंज्यूमर के पास जाएगी वो इसको कंज्यूम करेगा तो उसको प्रोडक्ट को इस लेवल का प्रोड्यूस करें कि वो कस्टमर सेटिस्फाई हो वी आर इन इन एन एरा हम उस दौर में हैं टू एंगेज कंज्यूमर्स रिक्वायर्स कंप्लीट कमिटमेंट फ्रॉम द एंटायर कंपनी वी आर ऑल मार्केटर्स नाउ हम सब मार्केटर्स हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से है डजेंट मैटर पार्टनरिंग विद अदर्स

इट्स फाइन द वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ कंपनी इट सेल्फ सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और अल्टीमेटली द कस्टमर्स इन सबको मिलकर कलाबोरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ताकि वह परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इन द डिलीवरी कस्टमर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल फोर Ford's performance depend upon the overall delivery network. Even Ford manufactures the best cars. Ford जो है वो best cars manufacture करता है but still it will lose the market share if dealer network fails to provide best customer services and service experience. Like उसकी production भी अच्छी थी उसका जो product है जो cars हैं उसकी वो भी अच्छी है material भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है but अगर डीलर्स ही डीलर ने अगर कस्टमर को नाराज कर दिया है तो इट विल लूज द मार्केट शेयर आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड टॉपिक यस